आरएएस परीक्षा को स्थगित कराने को लेकर अभ्यर्थियों का लंबे समय से राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वार पर प्रदर्शन चल रहा था। लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि भजनलाल सरकार परीक्षा को स्थगित करते हुए आगे की तारीख दे। इसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के भी चक्कर काटे जा रहे थे, मंत्री तक को भी ज्ञापन दिया जा रहा था। और जो पूर्व में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो लगातार आरएएस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग करने में लगी थी, तो उनके नेताओं के ट्वीट का भी फोटो निकाल कर अभ्यर्थी मांग करने में लगे थे कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब लगातार आरएएस परीक्षा को स्थगित करते हुए आगे की तारीख देने की बात करने में लगी थी। लेकिन अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो अब अभ्यर्थियों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना था कि अगर बीजेपी सरकार जो है परीक्षा को स्थगित करते हुए आगे की तारीख नहीं देगी तो लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा को भी लगातार ज्ञापन दिए जा रहे थे, निर्मल चौधरी भी लगातार जो है आरएएस अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे थे, लेकिन यूं कहें कि जो है जीत का सहरा किरोड़ी लाल मीणा के सर पर जो है देखने को मिला। किरोड़ी लाल मीणा को जो है बधाई देते हुए अभ्यर्थी नजर आए। एक तरफ माना जा रहा था कि निर्मल चौधरी के सिर पर जीत का सहरा बंधेगा, लेकिन ये सहरा यू टर्न होते हुए किरोड़ी लाल मीणा के सर पर चला गया। और पूरी जो है जिस तरह अभ्यर्थी लगातार संघर्ष करने में लगे थे, गुहार भी लगाई जा रही थी, फरियाद भी लगाई जा रही थी भजनलाल सरकार से, लेकिन जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा ने परीक्षा को स्थगित कराते हुए आगे की तारीख की बात कही, उन्होंने कहा था मैं भजनलाल सरकार से मुख्यमंत्री भजनलाल से बात करूंगा और तारीख को आगे बढ़ाने का आश्वासन भी उनकी ओर से अभ्यर्थियों को दिया गया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की ओर से भी आश्वासन दिया गया था, राजेंद्र राठौड़ की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था, सतीश पुनिया की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था। लेकिन यूं कहें कि जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा जो है धरना स्थल पर पहुंचे थे और जो है आरएएस परीक्षा की तारीख स्थगित कराते हुए, अब जो भर्ती परीक्षा है वो या जून या जुलाई में होगी, लेकिन जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे, अभ्यर्थियों ने उनका फूल देकर स्वागत किया और आई लव यू किरोड़ी लाल मीणा के नारे लगे और फ्लाइंग किस देते हुए खुद किरोड़ी लाल मीणा भी नजर आए। बहरहाल ये जो मामला चल रहा था, लगातार अभ्यर्थी उग्र होते हुए जा रहे थे, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा था, भजनलाल सरकार को खुली चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन ये पूरा टर्न यूं कहें कि किरोड़ी लाल मीणा अपने पाले में ले गए। निर्मल चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे थे, उनकी ओर से भी समर्थन देने की बात की गई थी, लेकिन पूरा जो क्रेडिट है वो किरोड़ी लाल मीणा ले गए। और जिस तरह धरना स्थल पर भी पहुंचे थे तो उनका स्वागत भी जोर शोरों से किया गया। अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल भजनलाल सरकार के पास भी गया, मुख्यमंत्री भजनलाल के पास भी गया और उनको भी धन्यवाद ज्ञापित किया। बीजेपी सरकार जानती है कि लोकसभा चुनाव पास में है, अगर ऐसे में युवा नाखुश होता है तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को आगे किया, किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वासन दिया, उसके बाद परीक्षा स्थगित हो गई और पूरा क्रेडिट किरोड़ी लाल मीणा ले गए। बसंत पांडे, TV9, जयपुर।